की स्पेशलिटी है जो है टिक्की स्पेशल है और पानी पूरी। हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गौरव। सो गाइस, आज मैं आपको लेके आ गया हूं साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली लाडोसराय। लाडोसराय पे एक बहुत ही फेमस चाट वाले भैया खड़े होते हैं। कम से कम 2002 से इनकी शॉप चल रही है और बहुत ही मज़ेदार, लोगों से काफ़ी इसके बारे में सुना, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ। काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा लाडोसराय कहाँ पर है। काफ़ी जगह का नाम लेता हूँ, शायद आपको पता हो। लाडोसराय जो है मैरोली नहीं पता तो कुतुब मीनार पता होगा, कुतुब मीनार नहीं पता तो छतरपुर तो पता ही होगा, छतरपुर नहीं पता तो सैदुल्लाजाब नहीं पता तो साकेत के नियर है ये। अगर और भी जगह का नाम लेता हूँ, साकेत, पुष्पविहार, पुष्पावन, तिगड़ी, खानपुर, बत्रा, ये सारी जगह आसपास हैं इसके। और इवन बदरपुर से भी आपको यहाँ पे 15 से 20 मिनट लगेगा अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो। तुगलकाबाद हो गया, अगर आप पीछे की बात करता हूँ हौस खास हो गया, ग्रीन पार्क हो गया, और भी प्रेस इनक्लेव हो गया, उसके आसपास ये आप लोगों को यहाँ, अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो ये आपके बिल्कुल पास में है। तो गाइस सीधा चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी ऐसी कौन सी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा लोग खाना पसंद करते हैं और ये कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे बेचते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सीधा चलते हैं इनके पास। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आलू की चाट भी रखी हुई है, टिक्कियाँ भी रखी हुई हैं, और यहाँ पे इनकी ये है, इनकी पाव भाजी भी है, गोलगप्पे भी हैं, और बर्गर भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ यहाँ के ऑनर से बात। तो ये है यहाँ के ऑनर, सबसे पहले भैया का नाम जानेंगे हम। अमरपाल। अमरपाल भैया, कितना टाइम हो गया शॉप को यहाँ पे? ये 2002 से। 2002 से। तो ये आपने स्टार्ट करी थी, आपके दादाजी ने, आपके फादर ने? पिताजी। अच्छा, आपके पिताजी ने स्टार्ट करी थी। तो भैया सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे क्या खाना पसंद करते हैं? टिक्की है, आलू टिक्की, पाव भाजी, गोलगप्पे, सभी बढ़िया है। अच्छा, तो चलो सीधा चलते हैं। सबसे पहले भैया कि हम गोलगप्पे ट्राई करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा इनके गोलगप्पे कितने बेहतरीन हैं या नहीं भी हैं, ठीक है? इतने में मेरे गोलगप्पे रेडी हो रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, इनसे इनके रिव्यू के इनके बारे में जानते हैं। तो सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। योगराज। अच्छा योगराज सर, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 4-5 साल से खा रहे हैं। 4-5 साल से। हाँ जी सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इनके टेस्ट में जो आपने 5 साल पहले खाया था वही टेस्ट है या फिर थोड़ा सा चेंज है? टेस्ट तो इम्प्रूव हुआ है इनका, हर साल इनका टेस्ट जो है इम्प्रूव हो रहा है। उनकी स्पेशलिटी जो है टिक्की स्पेशल है और पानी पूरी। अच्छा, तो टिक्की और पानी पूरी सर ने बताया, बहुत स्पेशल है सर, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे कुछ और लोग खा रहे हैं, मैम क्या आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं? मैम आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया आते हुए? मैं तो फूफा जी के साथ आज ही आई हूं। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम आए हैं? कुछ ट्राई करा आपने भी यहाँ पे? हाँ, मैंने आलू टिक्की खाई थी। कैसे लगी आपको आलू टिक्की? बहुत अच्छी थी जी। यहाँ पे एक और भैया का खा रहे हैं, भैया आपको कैसा लगा बर्गर? आप देख रहा हूँ आप बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी। तो दोबारा आना चाहोगे आप यहाँ पे? हाँ। तो अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो 10 में से कितना दोगे इन्हें? 10 out of 10। अरे वाह ग्रेट भैया, 10 में से 10 मार्क्स मिल गए हैं आपको। तो फटाफट मुझे यहाँ गोलगप्पे खिला दो। सो भैया एक बार जरा पानी को दिखाएं, देखिए इनका पानी एक बार, ओए होए भाई गजब है, बूंदी बूंदी डाल के, धनिया वनिया डाल के। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी इनकी गाइज, ये देखिए इन्होंने ग्लव्स पहना हुआ है। भैया दिखाओ एक बार, प्रॉपर ग्लव्स के साथ आपको मिलेगा, तो बोलो हाइजीन है पूरी शॉप। और बहुत ही बढ़िया लगा, यहाँ पे ग्रीन कालीन बिछाया हुआ है, देख के ना मतलब अट्रैक्शन पड़ता है इस शॉप की तरफ, तो एक बार तो बनता है आपका यहाँ पे आना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनके गोलगप्पे। सो ये भैया ने हमें खिलाया पहले, कौन सा भैया, मीठा वाला है ये? अच्छा सूजी का मीठा गोलगप्पा। गाइस मैं खा के आपको बताता हूँ, बहुत ही सॉफ्ट गोलगप्पा है, मुंह में जाते अपने आप टूट गया, कई बार होता है ना गोलगप्पे से ऊपर फट जाता है स्किन, ऐसा कुछ नहीं है सूजी वाले का बता रहा हूँ। पानी भी ना ज़्यादा खट्टा है ना ज़्यादा तीखा है, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको खा के। भैया एक बार मुझे वो वाला खिलाओ आटे का, अभी हम आटे का मीठे चटनी के साथ ही ट्राई कर रहे हैं इसे, ये कट से करेगा। सेम आटे का भी बहुत सॉफ्ट गोलगप्पा है, पानी का तो सेम ही टेस्ट बताऊंगा। एक बार खट्टे पानी के साथ इनका सूजी का एक बार ट्राई कर लेते हैं, भैया एक बार खट्टे पानी के साथ सूजी का भी खिला दो मुझे। तो
वही मिठास हट गई है साइड में, थोड़ा ज़्यादा खट्टा लग रहा है मेरे को ये। और इसकी जो अंदर फीलिंग है ना आलू है, और जो नॉर्मल इनके साथ जो होती है छोले होते हैं उसकी फीलिंग है। तो अब चलते हैं इनके, कितने रुपये प्लेट है भैया? 30 रुपये के 6। अरे भाई यहाँ तो लूट से मच गई है, 30 रुपये के 6 गोलगप्पे। नॉर्मली मैंने हर जगह सुना है अगर आप 50 रुपये का 60 रुपये के 6 गोलगप्पे मिले, यहाँ पे बस 30 रुपये के। तो सीधा चलते हैं इनकी टिक्की की तरफ, देखते हैं अपनी टिक्की टिक्की रेडी करवाते हैं इनसे। सो गाइज ये फ्रेश टिक्की बन रही है, ये फिलिंग भी है उड़द की दाल की है इसकी, किसकी है? अच्छा उड़द की दाल मटर पनीर की फिलिंग। और कितने रुपये प्लेट है टिक्की का? 70 रुपये प्लेट। कितनी टिक्की आती है इसमें? दो टिक्कियाँ। अरे भाई साहब मज़ा ही आ गया, ये भैया ने डाल दिया इसमें। गाइस देख रहे हो आप कौन सा है, वनस्पति घी है क्या या देसी घी है? अरे भाई देसी घी है तभी 70 रुपये है ये। अरे है कितना टाइम लेगा भैया ये? 2-3 मिनट। तो गाइस लोकेशन मैंने फिर बोल रहा हूँ, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर मैं आपको वैसे भी बताऊँ, लाटोसराय की रेड लाइट है, अगर आप टूवर्ड्स बदरपुर जा रहे हैं तो लेफ्ट लेना है लाटोसराय की रेड लाइट से। अगर आप टूवर्ड्स मैरोली जा रहे हैं तो आपको राइट लेना है, और आपके लेफ्ट में पड़ेगा ये शॉप घुसते के साथ ही। तो लोकेशन भी प्राइम लोकेशन पे खड़े हुए हैं ये। बस देख रहे हो काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आके यहाँ पे रुकती हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ये देखो कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे आके रुकी है। बहुत फेमस शॉप है ये, लाडोसराय है, बहुत फेमस शॉप है, एक बार तो बनता है यार। मतलब 18 साल से या 20 साल से बंदा जो एक जगह टिका हो ना, तो उसके खाने में कुछ ना कुछ बात होती है, तो इनकी चाट में कुछ ना कुछ बात है, तो लोग हर बार यहाँ पे आके खाना पसंद करते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी टिक्की हो चुकी है रेडी, बस क्रिस्पी कर रहे हैं भैया इसे। सो गाइस हो गई है हमारी टिक्की ऑलमोस्ट रेडी, अब भैया लगाएंगे इसे, देखते हैं क्या क्या डालते हैं टिक्की में। ये भाई टिक्की को करा मैश। आए हाय भाई स्टफिंग देख रहे हो, अंदर पानी आ रहा है मुँह में पानी आ रहा है ना, कमेंट ज़रूर करें नीचे। ये डाला भैया ने नमक, ये सारे मसाले भाई इनके होममेड मसाले हैं, सीक्रेट्स हैं, मतलब मसालों का ही मज़ा है यहाँ पे टिक्की में। और ये डाल रहे हैं भैया चटनी, रेड चटनी, वाह भाई गजब। और ये ग्रीन चटनी, और ये है असली मज़ा भाई दही। आहा ये डाल दिया भैया ने, प्याज व्याज रख रहे हैं इसके ऊपर अब। और ये अनारदाना गजब, ये धनिया, और कुछ भी है क्या भैया? अब मैं थक गया नाम लेते। गाइस लुक एट दिस ओनली 70 रुपीज़, और वो भी देसी घी की। पानी आ रहा है गाइस, इसको साइड में रखते हैं, अब हम नेक्स्ट अपना भल्ले पापड़ी रेडी करवाते हैं। सब चीज़ आपको साथ में ट्राई करके आपको बताऊंगा कि कैसा गजब टेस्ट है इनका। सो गाइस स्टार्ट हो गया हमारा भल्ले पापड़ी लगना, भैया ने पापड़ी को मैश करा। यार बेस्ट चीज़ है हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करा हुआ है यहाँ पे। ये आलू डाले भैया ने इसमें, और ये हैं भल्ले, ये डाले। कितने भल्ले होते हैं भैया? एक प्लेट में दो भल्ले। कितने रुपए प्लेट है? 70 रुपए प्लेट। ये भाई भैया डाल रहे हैं अपने घर के मसाले, सीक्रेट्स ऑफ मसालास। भैया ने बोला भैया मसाला मत पूछना बस कैसे बनाते हैं, मैंने कहा टेंशन मत लो मसाले नहीं पूछ रहा मैं। ये भाई आहा दही, भर के दही डाल दी भैया ने तो इसमें। आहा ये क्या है भैया? भुजिया। अच्छा भुजिया। और ये अनारदाना, ये जीरा का पाउडर, और ये भाई गजब, एक बार इसको भी देखो गाइस, ये भी रेडी। सबसे बेस्ट चीज़, और ये ठंडा हो रहा है यार, ठंडा हो रहा है गाइस बहुत ज़्यादा, मज़ा आएगा ऐसे ठंड में। तो दही भल्लों को खाने का अपना ही मज़ा है, ठंड में जितनी ठंडी चीज़ खाई जाए ना उतना ही मज़ा है। तो चलो इसको भी साइड में रखते हैं, अब हम देखते हैं फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट रेडी हो रहा है, जो हमारा फूड रेडी हो रहा है, वो है हमारी पाव भाजी। सो गाइस ये हमारी पाव रेडी हो रही है यहाँ पे, ये भैया देखो ये रेडी हो रही है हमारी पाव, ये लगी पाव। तो गाइस अमूल का बटर यूज़ कर रहे हैं, आप देख रहे हो भैया ने अमूल का बटर निकाला है, अब ये हमारे सीधा जाएगा पाव में। तो ये लग रहा है हमारा बटर, ये निकल गया भाई, लग गया पाव पे, गजब भाई गजब, मज़ा ही आ गया। ये देखो गाइस और पास से देखो पाव को, ज़रा पास नहीं ले जाऊँगा कैमरा चला जाएगा मेरा।
गाइस देख रहे हो, रश देख रहे हो इनकी शॉप पे, मतलब काफ़ी रश है और बहुत लोग यहाँ पे जानते हैं, साउथ के काफ़ी लोग यहाँ पे खाने आते हैं साउथ दिल्ली के। तो मैं एक बार दोबारा आपको बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक बार ज़रूर आएँ इनकी शॉप पे। पाची खा रहे हैं यहाँ पे, एक बार पाची से पूछते हैं कितना टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे। पाची कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? दो तीन बार हो गया है। दो तीन बार हो गया। सबसे बेस्ट क्या लगता है आपको इनकी इसमें? पाव भाजी लगती है। पाव भाजी, अगर मैं मार्क्स बोलूँ तो कितने दोगे 10 में से? 10 में से 10 ही आएंगे। 10 में से 10? अरे पाची ने भी 10 में से 10 मार्क्स दे दिए गाइस, और क्या चाहिए। थैंक यू पाची, एंजॉय योर फूड। सो गाइस ये हमारी पाव भाजी रेडी हो रही है, देखो भैया ने उठा निकाला भाजी यहाँ से, और इसमें ये डालेंगे अपना प्याज व्याज साइड में और हरी चटनी उसके ऊपर, और ये रहा अमूल बटर। आहा गजब, मज़ा ही आ गया। अरे भैया ज़्यादा मैं डाल देना, मैं मोटा हो जाऊँगा। ये पनीर ऊपर, ओए ओए भाई फुल तरीके से है, देख लो आप एक बार तो बनता है यहाँ पे आना। शॉप का नाम भैया बताएंगे एक बार दोबारा? अमरपाल स्पेशल चाट भंडार लाडो सराई की रेड लाइट से। अगर आप मेहरोली जा रहे हैं तो राइट लेना है, और अगर आप बदरपुर जा रहे हैं तो लेफ्ट लेना है, लेते के साथ ही राइट लेफ्ट हैंड पे मिल जाएगी। ये फाइनली हमारी हो गई है रेडी, ये आप देखो, आ रहा है मज़ा। चलो अब ट्राई करते हैं अपना सारा फूड और मैं बताता हूँ क्या टेस्ट है इनका। सो गाइज इनकी सबसे पहले हम करते हैं टिक्की को ट्राई। दिखाओ भैया एक बार टिक्की दिखाओ इन्हें, आ रहा है ना देखने में मज़ा। हाँ चलो एक बार ट्राई करते हैं। आहा भाई सबसे पहले बनी थी टिक्की, अभी भी क्रिस्पी है टिक्की हमारी, और इसके अंदर जो मसाले हैं ना बिल्कुल एक्यूरेट डाले हुए हैं। और तभी अभी आपने देखा था हमारे किसी एक इनके कस्टमर ने बोला था कि इनकी टिक्की बहुत ज़्यादा फेमस है, तो गाइस समझ में आ रहा है कि क्यों इनकी टिक्की इतनी फेमस है। एक बार दोबारा लेता हूँ, आहा मज़ा आ गया अल्टीमेट। अब इनको ट्राई करते हैं हम, भल्ले यार सबसे एंड में करेंगे ठंडे थे, अभी हम इनके करेंगे पाव भाजी ट्राई। ये देखो यार, आहा आ रहा है ना मज़ा, आ रहा है ना देखने में। एक बार तो इनका एक बार वाले बटर को इसको मिक्स कर लूं। आहा गजब भाई गजब। तो गाइस लेता हूं मैं एक बार अपनी बाइट। ओए होए सो बटरी भाई, क्या पाव भाजी है, पाव भी इतने सॉफ्ट है, फ्रेश पाव भाई, पाव भाजी की भाजी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है भाई, मज़ा आ गया। हाँ ये देखो साउथ दिल्ली की मेरे को सबसे बेस्ट चाट की शॉप यही लगी। आ जाओ यार एक बार, क्या टेंशन है, उठाओ गाड़ी और आ जाओ, ठंड में तो चाट का अपना ही मज़ा होता है। मज़ा आ गया गजब। तो अब हम ट्राई करते हैं इनके भल्ले पापड़ी, बहुत ठंडी है भाई, ये देखो है ना मज़ेदार। आहा हा बहुत ठंडे भाई, बहुत ठंडे। आहा हो जाए एक बार, ओए ओए भाई ये दिखाओ भैया को, शॉप का नाम क्या है? अमरपाल कश्यप स्पेशल चाट भंडार। अगर आप यहाँ नहीं आए ना तो बेकार है। भल्ले का जो प्राइस है ना, वो भल्ले का प्राइस कितना है भैया? भल्ले का प्राइस 70 रुपये, टिक्की का भी प्राइस 70 रुपये है, और पाव भाजी का कितना है? पाव भाजी 80 रुपये की है भाई, और इनके जो गोलगप्पे हैं 6 गोलगप्पे कोई भी खा लो 30 रुपये के 6 गोलगप्पे। कसम से बहुत अच्छा है अल्टीमेट। तो गाइज अगर मैं इनको मार्क्स की बात करूँ ना, वैसे मैं फूड को खाना मतलब मार्क्स देना पसंद नहीं करता, लेकिन जहाँ पे आ जाए 10 में से 10 की बात तो मैं रुकता भी नहीं हूँ। तो भाई मैं इन्हें बिल्कुल रेटिंग दूंगा 10 में से 10। गाइज एक बार आओ, एक बार अमरपाल जी की चाट एक बार ट्राई करो, और नीचे कमेंट में ज़रूर बताना खाने के बाद कि कैसे लगी,
और अगर आपको और भी ऐसी शॉप्स पता है ना तो रिकमेंडेशन अपने कमेंट में डाल दीजिए, डेफिनेटली मैं उसको कवर करूँगा। और गाइस प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकन होता है ना घंटा दबाएं, घंटा दबाने के बाद क्लिक कर दें ऑल पे, आपको मेरी सारी की सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आएगा। तो मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, आबाद रहिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। Thank you.